Hello everyone. Today I will explain you about the topic, that is functions of ecosystem. In the last lecture I had explained you about the concept of ecosystem, definition of ecosystem and the structure of ecosystem. So let us revise what is ecosystem. Ecosystem means the interaction of living and non-living components in environment. That is the ecosystem. Environment mein jo abiotic aur biotic components hain aapke, वो मिलके जो इंटरेक्ट करके एक सिस्टम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। नाउ बिफोर डिस्कसिंग द फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम आई विल एक्सप्लेन यू दिस फ्लो चार्ट। दिस फ्लो चार्ट शोज यू द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इस फ्लो चार्ट में क्या है कि डिफरेंट जो कंपोनेंट है इकोसिस्टम के उनमें आपस में क्या रिलेशन है, कैसे वो इंटरकनेक्टेड है, ये शो किया गया है, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो एज वी नो दैट इन इकोसिस्टम टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स आर देयर। फर्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक मीन्स लिविंग कंपोनेंट्स, एंड सेकेंड टाइप ऑफ कंपोनेंट्स आर अबायोटिक, अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग फैक्टर्स। तो हियर इन दिस फ्लो चार्ट प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, all these three are the living components of the ecosystem. ये living component है ना, biotic component भी इनको बोल सकते हैं। Now abiotic components are soil, atmosphere and if water is there, hydrosphere. So in an environment we know that there are four segments. First is atmosphere. If there is the involvement of air, that is atmosphere. If there is the involvement of soil, that is lithosphere. And if there is the involvement of water, that is hydrosphere. And the living system of the environment is known as biosphere. So in this diagram, all the components are there. Charo component yahan pe aapko dekhne ko milenge: hydrosphere, lithosphere, biosphere and atmosphere. So here you can see that in this system, ye jo system hai aapka ecosystem, isme jo energy ka source hai, that is the sun. The only source of energy in this system is sun. Now the energy of sun is used by the producers. Producers use this energy in photosynthesis and prepare their own food. Producers sun ki energy ko leke apna khana banate hain. Now this food energy is transferred to consumers. It means that producers and consumers are इंटररिलेटेड, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हियर आई हैव यूज्ड टू एरोज, है ना, बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड डिकम्पोजर्स, बिटवीन कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो टू एरोज मीन्स देर इज द टू वे और टू टाइप ऑफ एक्सचेंज इज देयर और फ्लो इज देयर। फर्स्ट इज देर इज द flow of energy in ecosystem. So this is the first function of the ecosystem. Flow of energy means that this solar energy that is stored by producers is passes from this level to the another level. Consumers ne jo energy store ki, food jo banaya photosynthesis karke, that is passes to consumers. Producers ne jo एनर्जी स्टोर की फोटोसिंथेसिस करके वो एनर्जी कहां जाती है, फूड कहां जाता है, कंज्यूमर्स के पास थ्रू फूड चेन, है ना। तो दिस इज द सेकंड फंक्शन, फूड चेन एंड फूड वेव। तो आई विल डिस्कस और एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेव इन नेक्स्ट लेक्चर, व्हाट इज फूड चेन। तो हियर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। नाउ with the energy flow of energy there is the flow of matter. Flow of matter मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे एनर्जी का फ्लो हो रहा है, मैटर का फ्लो हो रहा है। मैटर मीन्स फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, फॉस्फोरस, ठीक है। तो आफ्टर द डिकम्पोज, आफ्टर द डेथ ऑफ प्रोड्यूसर्स, आफ्टर द डेथ ऑफ कंज्यूमर्स, ऑल द मैटर ट्रांसफर टू डिकम्पोजर्स। जैसे ही प्रोड्यूसर्स की डेथ होती है, कंज्यूमर्स की डेथ होती है, तो मटेरियल आपका, मैटर कहां ट्रांसफर हो जाता है, डिकम्पोजर्स के पास। डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज करते हैं
एंड डिकम्पोजेस कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपल वंस. सम ऑफ द कंपोनेंट्स गो बैक टू द सोयल. कुछ कंपोनेंट्स आपके डिकम्पोजर क्या करते हैं, सोयल में उसको वापस भेज देते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, आयरन, है ना. तो सॉलिड कंपोनेंट्स गो बैक टू द सोयल एंड गैसियस कंपोनेंट्स फॉर एग्जाम्पल CO2, मीथेन, H2S, N2O गो बैक टू द एटमोस्फियर, है ना. तो हम देखेंगे यहां पे एक साइक्लिक पैटर्न देखने को मिलता है. साइक्लिक कैसे, हाउ वी कैन से दिस इज साइक्लिक, मीन्स देयर इज द ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सोयल टू प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स टू डिकम्पोजर्स एंड अगेन टू सोयल. सो दिस साइक्लिक पैटर्न और साइकिल ऑफ मैटर इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड साइक्लिंग ऑफ मैटर. इसी को हम बोलेंगे साइक्लिंग ऑफ मैटर. सो दिस इज द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, फ्लो ऑफ एनर्जी, साइक्लिंग ऑफ मैटर, फूड चेन, फूड वेब. इन द सेम वे नाउ नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम इज प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी मीन्स देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ फूड, प्रोडक्शन ऑफ फूड बाय प्रोड्यूसर्स. यहाँ पे इकोसिस्टम में देखिए प्रोड्यूसर्स जो है विद द हेल्प ऑफ सन्स एनर्जी प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस फूड एंड प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस फूड फॉर देयर ओन ग्रोथ एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ अदर एनिमल्स कंज्यूमर्स. सो दिस फिनोमिना और दिस कंसेप्ट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी में भी नेट प्रोडक्टिविटी और ग्रोस प्रोडक्टिविटी, है ना. तो दिस विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन अबाउट the productivity in detail. So this is the next function of the ecosystem, production of food, है ना. Here next is ecological development. Ecological development means कि आपका जो ecosystem है ऐसा नहीं है कि वो stable रहता है. There is always advancement, there is always changes, changes in the species, type of species, changes in the structure of the ecosystem. So here we can say that ecological development is there, or we can say that ecological succession is there. So ecological succession is a again different topic. So you can search ecological succession on my YouTube channel. A detailed lecture is there, hai na. So this is again the function ecological. Now the last function of the ecosystem, that is ecological regulation. Ecological regulation means here in this ecosystem both environment and organisms affect each other. Ecosystem में environmental factors living organisms को affect करते हैं, their distribution, type of species, density, productivity. On the other hand, organisms or life affect the environmental conditions. ऐसा नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनवायरमेंटल कंडीशंस को अफेक्ट नहीं करते हैं. फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स चेंज द सोयल फर्टिलिटी, सोयल फर्टिलिटी को चेंज कर सकते हैं, साइक्लिंग ऑफ मैटर को अफेक्ट कर सकते हैं. तो दिस इज बाई डायरेक्शनल प्रोसेस, है ना. तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम इन वेरी ब्रीफ. सो आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन about the food chain in next lecture. Thank you.